हरी थी मन भरी थी, नौ लाख मोती जड़ी थी, राजा जी की बगिया में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, बताओ क्या। अच्छा ठीक है, दूसरा रटल, कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से गोरा। आप सब जानते होंगे इसके बारे में। तो हेलो, नमस्कार, वेलकम टू फिट परिवार। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आपका फेस्टिवल का सीज़न। कार्तिक मंथ एक बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ होता है, जिसमें विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की स्पेशल पूजा की जाती है, एंड तुलसी माता का भी बहुत महत्व होता है। हम सभी जानते हैं इस बारे में कि कार्तिक मंथ में बहुत सारे बड़े बड़े त्यौहार आते हैं। इसके साथ में एक छोटा सा त्यौहार और भी आता है, जिसे कहते हैं अक्षय नवमी। इसे एक और नवमी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आप, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे उस फ्रूट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हूँ। ये फ्रूट इतना अच्छा और इतना औसम है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन टेंडेंसी है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है कि ये आपके मोटापे तक को दूर कर सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्रूट होता है, ये एक बड़े से पेड़ में होता है गुच्छे के रूप में, और बाहर में इसकी स्किन बड़ी सुंदर होती है, क्रीम कलर की। जितनी सुंदर ये स्किन बाहर से दिखती है, उतना ज़्यादा ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में रिच होता है, जैसे कि विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सारे तो हमारे बोन्स के लिए और हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। विटामिन सी की वजह से हमें हमारी इम्यूनिटी में बूस्टअप मिलता है। विटामिन सी हम लोगों ने कोविड में काफ़ी खाई है, इनकी टैबलेट्स खाई हैं, तो हम जानते हैं विटामिन सी का क्या महत्व होता है बॉडी के लिए। इसके अलावा ये इसके अंदर फाइबर अच्छा होने की वजह से ये हमारी गट को क्लीन करता है, हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है। इसमें मॉइस्चर होने की वजह से इसका जो रस होता है, ये मॉइस्चर के रूप में हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी में हर जगह ये पहुंच सकता है, बहुत इजीली पहुंच सकता है। ये अपनी न्यूट्रिशन कंटेंट की वजह से इतना रिच होता है कि आयुर्वेद में इसे कंप्लीट रसायन कहा गया है। कंप्लीट रसायन यानी अपने आप में पूरी तरह से एक फुल मेडिसिनल प्लांट या फुल मेडिसिन, जो कि आपको इम्यूनिटी तो बूस्ट करता ही है, और अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसे अलग अलग तरीके से कंज्यूम करने से बीमारी भी दूर कर सकता है। ये हमें इंटरनली के साथ साथ एक्सटर्नली भी हमें कॉस्मेटिक्स के की तरह काम में आता है, जैसे कि हमारे बालों के लिए तो ये वरदान माना जाता है। सदियों से हम इस बालों में, बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए, बालों की हेल्थ बढ़ाने के लिए, बालों को काला घना लंबा करने के लिए इसका ऑयल बनाते आ रहे हैं, इसके इसका पेस्ट बना के बालों पे लगाते आ रहे हैं, इसके पाउडर का भी हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ आंवले की। तो आज थी आंवला नवमी, और हम सभी जानते हैं कि ये विटामिन सी के कॉन्टेंट की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन क्या हम जानते हैं इसे कंज्यूम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। इसे अगर हरड़ और बहिरा के साथ मिलाया जाए तो ये त्रिफला बन जाता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है या बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो आंवला अपने आप में इतना सक्षम होता है कि वो आपके कफ, पित्त और वात तीनों को ही बैलेंस कर सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसे किस चीज़ के लिए कैसे यूज़ करते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो त्रिफला चूर्ण को, जो कि इस रेशियो में बनाई जाती है, आंवला, हर और बहिरा, ये आंवला का कंटेंट सबसे ज़्यादा 3:2:1, मतलब आंवला अगर तीन पार्ट लिया तो हर को दो पार्ट लेना है, बहिरा को एक पार्ट लेना है। इसे समान मात्रा में नहीं बनाया जाता है, इस तरह से इसका रेशियो लिया जाता है। और इसे रात के समय अगर कंज्यूम करते हैं तो बॉडी एक तो डिटॉक्स होती है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, और दूसरी कि हमें, हमारी गट भी स्ट्रांग होती है, हमारी लिवर के लिए भी अच्छा काम करता है। अगर आपको विटामिन सी की तरह इसे कंज्यूम करना है तो आप सुबह में या तो उसका जूस पी सकते हैं, नहीं तो अगर आंवला आपके पास अवेलेबल है तो आप आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, या एक सिंपल आंवला कच्ची तरह से भी आप इसे खा सकते हैं। इसकी चटनी बनती है, ये खाने में बहुत खट्टा होता है, लेकिन ये आपकी दांतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और इससे अच्छा विटामिन सी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको मोटापे की प्रॉब्लम है तो उस केस में आप आंवले के पाउडर को या फिर आंवले के जूस को शहद में, थोड़ी सा शहद में मिला के घोल के और गर्म पानी या गर्म दूध के साथ सुबह सुबह पी जाइए। तो अगर आप इसे करीब 3-4 महीने तक भी फॉलो करेंगे तो आपकी जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो बॉडी से गलने लगेगी। इसके अंदर विटामिन सी का कंटेंट इतना हाई होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके साथ में इसमें आयरन भी होता है, और ऐसे विटामिन सी
आयरन की बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर विटामिन सी ना हो तो आयरन हमारी बॉडी में हमारी रक्त कोशिकाओं तक यानी RBCs तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इसके अंदर की इस टेंडेंसी की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, हम सबको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की एजिंग को रोकते हैं, हमें हमारी बॉडी की ऑर्गन्स की काम करने की क्षमता को बनाए रखते हैं। क्योंकि आयरन का जब एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छी तरीके से होता है तो RBCs में भी ऑक्सीजन अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से आता है और ये हमारी पूरी बॉडी की सप्लाई में ऑक्सीजन सप्लाई में अच्छा कंटेंट देता है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी को के सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलती है और इनकी क्षय यानी कि ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कम हो जाती है और ये स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह एक आंवले में इतने सारे गुण हैं। आयुर्वेद में तो इसकी उपयोगिता के ऊपर श्लोक तक लिख डाले गए हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जितनी दवाइयाँ बनती हैं उसमें मेजरली इसका प्रयोग होता ही होता है। इवन हरर और बहेड़ा नहीं भी मिलाया जाए तो भी अकेला आंवला है जो कि अपनी सारी टेंडेंसीज से आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी दूर कर सकता है और आपको एंटीऑक्सीडेंट टेंडेंसी दे के आपकी स्किन को, आपकी बालों को, आपके ऑर्गन्स को भी हेल्दी रख सकता है। यह इतना गुणी फल होता है। इसका आप सेवन करने की विधि ये भी है कि आप जाड़े में जब फ्रेशली ये फल आपको अवेलेबल होता है तो आप मार्केट में अवेलेबल च्यवनप्राश के पीछे जाने की बजाय आप इसे अपने घर में लेके आइए, इसकी चटनी बनाइए या फिर इसका सलाद बनाइए, इसका मुरब्बा बनाइए, कुछ भी बनाइए, या फिर आप इसे सिंपली नमक के साथ हर रोज़ एक या दो आंवला तो अपनी डाइट में कम से कम जाड़े भर तो ज़रूर सम्मिलित कीजिए और साल के बाकी दिनों के लिए भी आप अचार बना कर या मुरब्बा बना कर रख दीजिए और पूरे साल इसे खा कर देखिए, आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स हो जाएगी। तो है ना, ये फल हमारे लिए बिल्कुल अमृत के समान चमत्कारी। इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए और आपके कमेंट्स और फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।